हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस नए यूट्यूब चैनल में। आज मैं लेके आया हूँ एक और नई वीडियो। तो थंबनेल देखकर तो आप समझ ही गए होंगे कौन सा वीडियो है ये। ये वीडियो है NS200 जो एडवेंचर के नाम से आने वाली है और ये बहुत जल्द मार्केट में लॉन्च होने वाली है। एक नए लुक्स और बहुत सारे फीचर्स के साथ एड आने वाली है। ये जो आप फोटो देख रहे हो ये नहीं, ये है जो कि NS200 एडवेंचर के नाम से आने वाली है। बहुत जल्द इसमें आप देख पाएंगे कि ये मार्केट में उतर रही है। अगर हम इसके ग्राफिक्स की बात करें तो इसका NS200 का ही लुक दिया हुआ है, इसका ग्राफिक्स सब उसका ही दिया हुआ है। इसमें बहुत सारे चेंज किए गए हैं दोस्तों, लेकिन बता दूं मैं आपको कि इसमें जो आपके व्हील्स है व्हील्स ही सिर्फ उसके हैं और ये जो आप हेडलाइट देख पा रहे हैं वो NS200 के है, बाकी वाइजर ये सब कुछ इसमें चेंज कर दिया गया है। तो अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इसके टैंक की। तो टैंक में आपको देखने को मिलेंगे, इसमें 12 लीटर का आपको टैंक देखने को मिलेगा जो कि बहुत यूनिक लुक के साथ बनाया गया है इसको। अब आगे की ओर बढ़ते हुए हम देखते हैं इसके इंजन को। तो इंजन में आपको देखने को मिलेगा 199.5 सीसी का आपको इंजन देखने को मिलेगा इसमें, जिसमें कि मैक्स पावर 24.5 HP 9750 RPM पे प्रोड्यूस करता है और मैक्सिमम टॉर्क इसका 18.5 न्यूटन मीटर पर 8000 RPM पे टॉर्क रिलीज करता है। इसका बात करें इसके सिंगल सिलेंडर रही है इसमें और इसमें आपको 6 गियर बॉक्स देखने को मिलेंगे। इसकी सीट हाइट है 805 mm और ग्राउंड क्लियरेंस है 168 mm। ये इसकी वेट है 156 किलोग्राम और इसकी टॉप स्पीड 13 किलोमीटर प्रति हावर्स के स्पीड से चलेंगे ये दोस्तों। जब आप इस पे इसको लेके जाएंगे लद्दाख माउंटेन ये सब का जो शौक़ रखते हैं उनके लिए बनाई गई है और ये अपने सेगमेंट के बहुत सारे बाइकों को टक्कर देने वाली है। जैसे कि हम बात करते हैं इसके सेगमेंट में तो ड्यूक जो कि एडवेंचर बाइक में से भी ये भी एक है और ड्यूक 390 ड्यूक 200 ये भी ऑफ रोडिंग के लिए ही जानी जाती है। ये भी और ड्यूक भी ऑफ रोडिंग के लिए ही बनाता है दोस्तों। एफ्रिलिया की बाइक आती है वो भी सेगमेंट में टक्कर देने के लिए आती हैं। बजाज पल्सर ने ये सब देखते हुए ये बाइक को लॉन्च करने का सोचा है दोस्तों। अगर आप इसके फ्रंट में देखेंगे तो वही NS200 के हेडलैम्प मिलते हैं जो NS200 में मिलते हैं। इसमें ऑफ रोडिंग के हिसाब से इसमें वाइजर दिया गया है, इसके मड गार्ड को चेंज कर दिया है फ्रंट मेड गार्ड को और रियर बर्ड गार्ड को भी चेंज कर दिया गया है। इसमें आपको मीटर कंसोल देखने को अलग ही मिलेंगे जो इसके बाजू में आप देख रहे होंगे वो कुछ लगा है, उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिल सकती है आपको दोस्तों। और ये बैग रखने के लिए, इस सामान कैरी करने के लिए, लगेज कैरी करने के लिए इसमें आपको अच्छा सा आपको ग्रेबल देखने को मिलेंगे दोस्तों। अगर आपको मेरी ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई तो इसे लाइक करें दोस्तों और जो लोग लेना चाहते हैं उनको शेयर करें दोस्तों। थैंक यू।